आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त खबरों का। रीवा जिला प्रशासन ने प्रदेश भर में चलाए जा रहे एंटी ड्रग माफिया अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। यहां जिला प्रशासन की ओर से नशीली दवाएं बेचने के आरोप में रीवा शहर के प्रतिष्ठित विद्याभूषण मेडिकल दुकान को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई गुरुवार की शाम कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देश पर ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर ने की है। आपको बता दें कि रीवा प्रशासन की इस कार्रवाई से पूर्व में शहडोल पुलिस ने रीवा में संचालित विद्याभूषण मेडिकल दुकान के संचालक हरि सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब रीवा जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। कार्रवाई को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालक पर नशीली दवाओं की बिक्री करने का आरोप था, जिस पर कलेक्टर के निर्देश पर दुकान को सील करने की यह कार्रवाई की गई है। शहर के मेडिकल स्टोर में जिला प्रशासन व ड्रग विभाग की संयुक्त कार्रवाई के बाद अब जिले भर के उन मेडिकल दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया है, जिनके द्वारा नशीली दवाओं की बिक्री का कारोबार संचालित किया जा रहा है। देखिए, पहले इसमें शहडोल पुलिस के द्वारा इनके प्रोप्राइटर के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे कि ये नशे के कारोबार में लिप्त हैं, जिसके वजह से इनके प्रोप्राइटर हरीश सिंह को वो लोग गिरफ्तार करके ले गए हैं। और उसी तारतम्य में कलेक्टर साहब ने ये निर्देश किया कि चूंकि ये गलत कारोबार में लिप्त हैं, और पहले से ही मुख्यमंत्री जी द्वारा भी हमेशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि ऐसे ड्रग माफियाओं को, नशे के कारोबार वालों को अपने को नागाम लगाना है, तो उसी में इनकी दुकान को अभी सील की गई है और उसी की सीली कार्रवाई यहाँ पे चल रही थी। देखिए, अभी लास्ट मंथ में ही अपना भोला मेडिकल और लाल मेडिकल दोनों अभी तक बंद पड़ी हुई हैं। अपन ने दिसंबर लास्ट में ये प्रकरण बनाया था। उसके अलावा रुचि मेडिकल एक है, उसके ऊपर भी प्रकरण बने हुए हैं, और इन सभी तीनों प्रकरणों में कारण बताओ नोटिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा जारी किया जा चुका है, और जैसे ही उनके जवाब प्राप्त होते हैं उनके खिलाफ फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी।